मध्य प्रदेश का गुना जिला भारी बारिश के चलते जलमग्न हो चुका है। गुना जिले में बीते 24 घंटे में 150 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। सबसे ज्यादा प्रभावित बमौरी ब्लॉक, जहां 20 से ज्यादा मकान धराशायी होने की खबर। सूबे के पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के विधानसभा मुख्यालय वाले बमौरी क्षेत्र के लगभग सभी गांवों में पानी भरने से रास्ते बंद होने की जानकारी सामने आई है। बमौरी के तारापुर और लोधापुरा गाँव में मकान धराशायी होने के बाद आर्थिक सहायता और राशन भिजवाना पड़ा है। उधर गुना जिला मुख्यालय की श्री राम कॉलोनी में 5 मकान गिरने के बाद नगर पालिका की टीम ने सभी प्रभावितों को बस स्टैंड स्थित रेन बसेरा में विस्थापित कर दिया है। क्षेत्र में जल भराव इतना ज्यादा कि जेसीबी की सहायता से पानी निकालना पड़ा। शहर की दर्जन भर से ज्यादा कॉलोनियों में SDM अंकिता जैन ने भ्रमण किया और प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। गुना जिले में जोरदार बारिश की वजह से 30 किलोमीटर दूर म्याना कस्बे से उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाला मुख्य मार्ग बाधित हो गया। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी तालाब, बांध और नदियों पर आम नागरिकों के जाने पर रोक लगा दी। इन स्थानों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। गुना जिले में सोमवार को भारी से भारी बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। वहीं 5 अगस्त तक जिले को अलर्ट पर रखा गया है। कि देखने में मिल रहा है कि भारी बारिश के चलते कई झोपड़ियों में पानी भरा है, इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं भी सुबह जब निकला हूँ तब से देख रहा हूँ, रशीद कॉलोनी, श्रीराम कॉलोनी में कुछ हिस्सों में पानी भरा है। जिस जगह ज़्यादा पानी था वहाँ के लोगों को हमने रेन बसेरा में शिफ्ट किया है। वहाँ भोजन पानी की ठहरने की व्यवस्था की है और जहाँ जहाँ भी पानी भरा है यदि वो आदमी वहाँ रहना चाह रहे हैं तो ठीक है, अन्यथा हमने खेल प्रसाद कॉलेज के छात्रावास में व्यवस्था की है, अम्बेडकर भवन में की है, रेन बसेरा में की है। और भी ज़्यादा लोग आएंगे तो अन्य जगह भी करेंगे। बाकी जहाँ जिनको परेशानी में है उनकी सब परेशानी हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पानी भरा था वहाँ हमने पहुँचकर JCB के माध्यम से हमारे आदमियों ने मैनुअल की खुदाई करके पानी निकाला है। अभी किसी प्रकार की समस्या कहीं नहीं है।